अब क्या दिक्कत हो रहा है, क्या तकलीफ है? कितना दिन से दर्द हो रहा है ये? एक महीने से। एक महीने से दर्द। दर्द में क्या होता है? ऐसे झटका लगता है ऐसा दर्द होता है? करंट आता है ऐसा दर्द होता है, ठीक है। और ये दर्द पूरा दिन में कितनी बार होता है? 15-20। एक दिन में 15-20 बार होता है। ज्यादा कब होता है? क्या करते हो तो ज्यादा होता है? पानी लगाते हो तो ज्यादा होता है? ठंडा पानी से, ठंडा पवन से ज्यादा होता है? और जब दर्द होता है तो कितनी बार रहता है दर्द? 2 मिनट तक। 2 मिनट तक रहता है, बाद में वो चला जाता है। कोई दवाई से दर्द ठीक होता है? अभी आपने एक महीने से दवाई लिया कि नहीं लिया? कुछ दवाई लिया, लेकिन दवाई से वो दर्द ठीक नहीं रहा। तो ये जो बेन जी का दर्द है उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया मतलब क्या है? हमारे मगज में से 12 नस निकलती है, हर नस का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये जो पांचवें नंबर की नस का दर्द है, पांचवें नंबर की नस का भी 3 पार्ट होता है। एक पार्ट है वो आंख को सप्लाई करता है, दूसरा आंख के आजू बाजू के एरिया को सप्लाई करता है, दूसरा पार्ट है ऊपर के जड़े को सप्लाई करता है, तीसरा पार्ट नस का है वो नीचे के जड़बे को सप्लाई करता है। बेंजी को निचले जड़बे में पेन है, मतलब कि पांचवें नंबर की नस का तीसरा पार्ट है, उसको V3 बोलते हैं, उसके रीजन में उसको ये दर्द हो रहा है। तो ये दर्द का मोस्टली कारण क्या होता है? जो ये नस है जो मगज में से निकलती है, मगज में बीच वाले पार्ट में से निकल के बाहर निकल के ये सब एरिया में सप्लाई करती है। तो जो ये नस जो होती है उसके ऊपर ब्लड की वेसल्स, खून की नलियां जाती होती है, वो खून की नलियां वो नस के ऊपर प्रेशर डालती है, तब जाके ये दर्द होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले दवाई देते हैं, अगर दवाई से ठीक नहीं होता है तो फिर MRI करवाते हैं वो नस का, कि वो नस का MRI करवा के देखते हैं कि खून की नली उसको कितना प्रेशर दे रही है, ठीक है। ये दवाई से दर्द कंट्रोल रहता है तो उसका कुछ नहीं करना पड़ता है, दवाई उसमें लंबे समय तक चलती है। अगर ये दवाई से ठीक नहीं होता है तो MRI करवा के जहाँ पे नस कहाँ चिपकी हुई है, वो नस को क्या प्रेशर आ रहा है वो देखने के, नस में कोई ट्यूमर भी कभी कभी 1000 में से 1 लोगों को निकल सकता है, तो वो नस का पहले MRI करवाते हैं। नस के अंदर ज्यादा अगर प्रेशर होता है और दवाई से कंट्रोल नहीं होता है तो इसका हम सर्जरी करके नस जो प्रेशर दे रहे हैं उसको थोड़ा सा अलग करके उसके बीच में टेफ्लोन नाम का मटेरियल रखते हैं। वो सर्जरी एंडोस्कोप से होती है, मगज के डॉक्टर और कान के डॉक्टर दोनों साथ में मिलकर ये सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी का नाम है मीरा, MIRA, मीरा। मीरा मतलब मिनिमल इन्वेसिव रेट्रोसिग्मोइड अप्रोच। ये सर्जरी जो कान के पीछे से करते हैं, कान के पीछे से यहाँ से खोल के, मगज को खोल के अंदर नस तक जाते हैं, दूरबीन से ही अंदर जाते हैं, यहाँ छोटा सा चेका लगा के अंदर दूरबीन से जाते हैं, दूरबीन से जाके वो नस को देखते हैं कितना प्रेशर दे रही है वो नस। ज्यादा प्रेशर दे वो नस को अंदर से वो इंस्ट्रूमेंट से अंदर अलग करते हैं और उसके बीच में टेफ्लोन नाम का मटेरियल होता है, व्हाइट कलर का टेफ्लोन नाम का मटेरियल, वो नस के अंदर, नस के दोनों नस के बीच में, नस और जो खून की नली होती है उसके बीच में रखते हैं, ताकि अब जाके पेशेंट को ये दर्द चला जाता है। ये जानकारी रही ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की। थैंक यू, आभार।